केदारनाथ आपदा की वो भयानक रात जब एक साधु के साथ हुआ अनोखा चमत्कार, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो ऐसा रहस्यमयी और दिव्य साधु था जिसे साक्षात महादेव ने दर्शन दिए। जहाँ पर लोग इस आपदा की वजह से त्राहिमाम कर रहे थे, वहीं पर साक्षात महादेव ने आकर एक साधु को दर्शन दिए और इस आपदा के आने का कारण बताया, और ये भी बताया कि इस आपदा में इतने सारे लोगों की मौत क्यों हुई। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो साधु कौन था और महादेव ने उसे दर्शन देकर जो बातें बताई, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी एक सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आध्यात्मिक मार्ग पर। 16 जून 2013 की वो रात जहां पर सभी अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, वहीं पर केदारनाथ में एक भयंकर घटना घटने वाली थी जो सुबह होते ही लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाली थी। किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसी कोई घटना घटेगी। हमेशा की तरह हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच गए थे। शाम हो चुकी थी और मंदाकिनी नदी की गर्जना ऐसे डरा रही थी मानो वहां पर कोई भयानक घटना घटने वाली हो। लेकिन सभी श्रद्धालु ये सोचकर निश्चिंत थे कि केदारनाथ में तो बारिश और तूफान अक्सर आते रहते हैं। कुछ लोग दर्शन करके अपनी धर्मशाला में चले गए तो कुछ लोग मंदिर के पास ही रुके हुए थे। इन्हीं लोगों के बीच एक साधु भी था जो 25 सालों से केदारनाथ में रह रहा था और बाबा केदारनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उस साधु ने वहाँ कुछ लोगों को बताया कि आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, लेकिन लोगों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। रात में कुछ लोग केदारनाथ के पास ही घूम रहे थे कि अचानक भयंकर आवाज के साथ मंदाकिनी नदी पहाड़ों को चीरती हुई केदारनाथ धाम की तरफ आ रही थी। वहाँ के लोगों में ये देखकर अफरा तफरी मच गई, लेकिन उस साधु के चेहरे पर एक सेकंड नहीं थी क्योंकि उसको अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास था। थोड़ी ही देर में मंदिर डूब चुका था और वहाँ लोग इस सैलाब में बहकर कहाँ से कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला। वो साधु भी पानी में डूब चुका था और मंदिर के सामने ही केदारनाथ बाबा से मन ही मन में बोलने लगा कि हे महादेव, इस जीवन में बस एक बार आपके दर्शन करने की इच्छा थी। उस साधु के प्रार्थना करते ही साक्षात महादेव उस साधु के सामने आ जाते हैं। साधु महादेव के दर्शन करता है और महादेव से कहता है कि हे महादेव, अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं रह गई, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महादेव ने उस साधु को आशीर्वाद दिया। फिर साधु ने महादेव से पूछा कि या आप केदारनाथ में साक्षात विराजमान है, फिर ये इतनी भयानक त्रासदी क्यों? इस परले में हजारों भक्तों की जान जा रही है। तो महादेव ने बताया कि केदारनाथ में आकर जितनी भी मौत हो रही है वे सभी मेरी शरण में आ जाएंगे और इस कलयुग में समय समय पर ऐसी आपदाएं आती रहेगी ताकि एक और स्वच्छ केदारनाथ का निर्माण हो सके। ये बोलने के बाद महादेव वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। वो साधु थोड़ी ही देर में अपना शरीर छोड़कर महादेव की शरण में चला जाता है। तो दोस्तों, जब जब केदारनाथ में कलयुग का प्रकोप बढ़ेगा तब तो वहाँ ऐसी भयानक आपदाएं आती रहेंगी ताकि एक नए सुंदर और स्वच्छ केदारनाथ का निर्माण किया जा सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव।